नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं ड्रेस लेके आई, बच्चे की फ्रॉक ड्रेस, जो कि बहुत सरल और शांत तरीके से मैंने बनाई है। ये देखो, ये मैंने पीछे वाला हिस्सा पूरा बना लिया। 80 फंदे डाल के मैंने 1 2 3 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी चढ़ा के, बाकी सीधा उल्टा बुना। ऊपर जाके मैंने 2 सीधे 2 उल्टे बुने हैं। छोटी जॉक वाली मैंने फ्रॉक बनाई है, ये देखो। ये मैंने आगे वाला हिस्सा बनाया है। आगे वाले हिस्से में मैंने थोड़ा डिज़ाइन डाला है। ये आपको डिज़ाइन बनाना मैं सिखाती हूँ। ये 9 10 फंदों का डिज़ाइन है। ये देखो, पहले फंदा उतारा, पहले फंदा उतार लिया। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 फंदे बुन के एक फंदा हमने बिना बुने उतार लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फिर एक हमने बिना बुना उतार लिया। 9 फंदे हमने बुनने, एक फंदा हमने उतारना। उल्टी सिलाई भी सीधी ही बुननी हमने। धागा आगे करके ये फंदा उतारा, धागा पीछे किया, फिर 9 फंदे हमने बुन लिए। फिर धागा अपनी तरफ किया, उतारा फंदा उतार लिया, फिर धागा पीछे, फिर 9 फंदे हमने बुन लिए। धागा अपनी तरफ किया, फंदा उतार लिया। सीधी सिलाई बिल्कुल सेम ऐसे ही डालनी, फिर फंदा उतारा, जैसे हमने पहली डाली है वैसे ही दूसरी डालनी है। ये फंदा आपने उतार लिया। उल्टी सिलाई वैसे ही बुननी जैसे हमने पहले बुनी थी। धागा पीछे करके फंदा उतारा, धागा आगे करके हमने सीधे फंदे डाल लिए। 4 सिलाइयाँ हमने ऐसी, एक जैसी पहली और दूसरी डाल ली वैसी ही तीसरी और चौथी डालनी है। धागा आगे, फंदा उतारा, धागा पीछे, दो सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी की सिंपल डालनी है। सीधी और उल्टी सिंपल, ना कुछ उतारना है ना कुछ छोड़ना है, बिल्कुल सिंपल सीधी और ऐसी उल्टी बना लो। ये देखो, अब हमने दूसरी तरफ से 1 2 3
चार और पांच पहले आएंगे, ये देखो ये फंदा हमने उतारना, फिर एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ, फिर फंदा उतारा, फिर एक दो तीन चार और पांच, जहाँ हमने उसका डिज़ाइन उल्टा कर दिया। देखो ये जहाँ से पहले ऐसे आया, फिर इसमें सेंटर वाला फंदा हमने जो नौ फंदे थे ना चार चार इधर करके पांच वाला बीच वाला फंदा हमने उठा लेना, चार इधर आएंगे चार इधर आएंगे बीच वाला फंदा आ जाएगा, नौ फंदे है ना आठ आठ, चार उधर आठ हो गए, नाइन वाला फंदा हमने उतार लिया। ऐसे ही हमने सीधी तरफ से सीधा उल्टी तरफ से भी हमने सीधा ही बुनना, धागा आगे करके जो फंदा उतारा धागा पीछे, फिर हमने नौ फंदे बुन लिए। फिर धागा अपनी तरफ फंदा उतारा, ये देखो ऐसी एक सिलाई हमने और डालनी है, उसके बाद हमारा ऐसा ही डिजाइन बन जाएगा। अब हमने क्या करना, इतना मैंने बुन लिया, अपने बच्चे हिसाब से आप लंबाई रख सकते हो, जहां हमने थोड़े थोड़े फंदे बढ़ाने हैं ऊपर, क्योंकि हमने हाँ एक एक प्लीट डालना है, इसके लिए पहले फंदा बुना उतारा दूसरा बुन लिया, यहां से एक फंदा हमने बढ़ा लिया। हर सिलाई में हमने पांच फंदे बढ़ाने हैं, 80 फंदे थे 85 फंदे हमने करने हैं, पांच फंदे हमने बढ़ाने हैं, सॉरी 90 करने हमने, पांच इधर तरफ से पांच इधर के तरफ से 90 हो जाएंगे, पांच सिलाइयों में हमने ये फंदे बढ़ाने हैं, फिर हमने इसके प्लीट डालने हैं, एक हमने बढ़ा लिया। अपने बच्चे की लंबाई के रखने के बाद जब अपने फंदे बढ़ाने हैं, दोनों तरफ से आपने पांच पांच फंदे ऊपर हमने सीधा उल्टा ही डालना है। देखो यहां से ऐसे फंदा उठाया पीछे से ऐसे कर लिया, ऐसे आप पांच इधर कर लेना, उसके बाद आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखो ये पांच फंदे मैंने बढ़ाकर देखो ऐसी शेप बन गई। अब हमने मैंने पांच फंदे बढ़ाने के बाद एक सीधी एक उल्टी सिलाई भी डाल ली। अब क्या करना, अब हमने प्लीट्स डालने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 22 फंदे मैंने सीधे बुन के, अब पांच फंदे मैंने उतार लेने, दो तीन चार और पांच, ये पांच फंदे हमने यहाँ बंद करने हैं, ये देखो
सिलाई जो हमने फंदे सिलाई में डाले ना, इस सिलाई में उसको आगे करना मैंने। एक, दो, तीन, चार और पांच। देखो बीच वाले फंदे हम बुन लेंगे जितने बचेंगे। उधर भी हमने 22 फंदे डाल छोड़कर 5 फंदे हमने बंद करने हैं। सेंटर में जितने आएंगे उतने आप बुन लो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये देखो इधर प्लीट आया ना। अब हमने एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे उतार के ये पीछे की ओर ले आना। वो पहले ऐसे किया था, अब इस तरफ करना। दोनों की शेप, प्लेटों की शेप एक तरफ, दोनों तरफ आ जाएंगी। फिर ये देखो, एक, दो, तीन, चार और पांच। 5 फंदे हमने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ये 22 फंदे हमारे फिर सिंपल बुन लेने हमने। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, एक सीधी और उल्टी सिलाई और डाल लेना। उसके बाद हम मोंडे की कटिंग करके फिर हमने ये ऊपर वाला हिस्सा बनाना है। ये देखो प्लीट डालने के बाद ऐसे आ जाएगा। ऐसे एक की शेप इधर आ गई, इसकी शेप इधर आ गई। दूसरे की भी ऐसी आ जाएगी। अब सीधा उल्टा बुन के एक सीधी सीधी उल्टी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। प्लीट डालने के बाद अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। प्लीट डालने के बाद सीधी उल्टी सिलाई मैंने नहीं डाल दी, आप भी ना डालना, उससे ना ठीक नहीं आ रहा था इसलिए। एक, दो और तीन, तीन करके फिर दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, धागा आगे करके दो उल्टे, धागा पीछे दो सीधे, धागा आगे दो उल्टे, धागा पीछे दो सीधे, धागा आगे दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे ही बुनने हैं।
पूरा करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक ले आओ, आप आगे फिर बताती हूँ। लास्ट में हमारे चार फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे क्योंकि हमने इधर से भी आप इसकी कटिंग करनी है। उल्टी सिलाई, दो का एक धागा फंदा वापस उसी में डाल के फिर दो का एक ये फंदा वापस कर दिया, फिर दो का एक, ये सीधा फंदा आ गया हमारा। बस दो, फिर हमने वापस वही फंदे हमारे आ जाएंगे दोनों तरफ से, सीधे और दो उल्टे। तीन तीन फंदे की कटिंग की हमने दोनों तरफ से। अब नहीं करने, अब दो सीधे दो उल्टे आप पूरा ऐसे ही बुनना, ऊपर जाके गले की कटिंग करेंगे। ये देखो ऐसे आएगा, इतना आप कर लो, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना। ये देखो मेरा इतना बन गया। अब हमने गले की कटिंग करनी है। ये हमारे इतना मोंडा हमारा बन गया। अब हम 26 फंदे रख के 26 इधर 26 इधर बाकी सेंटर वाले बंद कर देंगे। चौरस गला हम बना रहे हैं। ये देखो दो सीधे दो उल्टे जैसे हमने डाल रहे हैं। ये देखो मैंने 26 फंदे रख के अब हम फंदे बंद करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। ये देखो 22 फंदे मैंने बंद कर दिए बीच में, और बाकी दोनों तरफ से हमारे 26 फंदे हमने रख लिए। अब हम अकेला अकेला जो बनाएंगे, पहला इधर वाला हिस्सा बना लेंगे फिर इधर वाला, क्योंकि हमने मोंडे की शेप ऊपर तक जितना बनाना मोंडा उतने हम अकेले अकेले बनाएंगे। आपको मैं पूरा बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनाना। दो सीधे उल्टे ही जैसे मैंने ये बनाया ना, इतना बनाना हमने, इतना। इस पीछे वाला गला तो मैंने छोटा रखा था, इतना बनाया था, अब ये हम इतना सारा बना लेंगे। पूरा बनाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बनाना बना। ये देखो मैंने पूरा बन गया। अब हम दोनों तीरे मैंने जोड़ दिए, अब दूसरी तरफ जोड़ने जा रही हूँ। ये देखो कैसे दोनों फंदों में सुई के साथ ही बंद कर सकते हो आप, और सिलाइयों के साथ भी। ऐसे सिंपल जैसे हम पूरे करते स्वेटर वैसे ही करना है। आपको पूरा बंद करके मैं फिर दिखाती हूँ ऐसे आप करना है। देखो बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होएगा ना, अपने आप ठीक बन जाए हो जाएगा।
आप चाहो तो क्रोशे के साथ जहाँ पूरी बीडिंग कर सकते हो गले में भी। ये देखो मैंने जहाँ सिलाई भी कर दी, ये देखो पीछे से ऐसे आएगा। आगे से अब ऐसे बन आएगा तो फिर थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।